बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सज्जनों, शास्त्र में परमात्मा के तीन स्वरूप का वर्णन किया गया। पहला बताया सत, दूसरा चित और तीसरा आनंद, और तीनों को जोड़ दो तो बन जाता है सच्चिदानंद। शास्त्र में भगवान के तीन स्वरूपों का वर्णन किया, सत, चित और आनंद। सज्जनों, इस संसार के अंदर सत्य क्या है? आज जो भी दिख रहा है हम और आप, ये संसार, ये बिल्डिंग, ये सब कुछ आज नहीं तो 100 वर्ष बाद इसको समाप्त होना पड़ेगा, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सज्जनों, जो प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त है वो सत्य है। सत्य वो परमपिता परमात्मा है जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, नित्य प्रति शाश्वत है। सत्य क्या है? वो प्रभु शाश्वत है। भगवान ने जो बनाया वो सत्य नहीं है। ये संसार, हम और आप, ये दुनिया, ये सत्य नहीं है। एक न एक दिन इसको प्रलय कालीन समुद्र में डूबना पड़ेगा। सज्जनों, सत्य बताया प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त है वो सत्य है। दूसरा बताया चित्त। चित्त क्या है? बोले चित्त कहते हैं प्रकाश को। अब मैं आप सभी भक्तों से एक निवेदन करूं, ये बताएं आंखें देखती है या लाइट? बोलो, चित्त कहते हैं प्रकाश को। अब आंखें देखती हैं लाइट? बोलो, मैया आंखें देखती है ना? हमारे भक्त कर आंखें देखती हैं। अच्छा एक बात बताओ, अंधेरे में ले जाकर के कमरा बंद कर दो, लाइट को ऑफ कर दो, बंद कर दो, तो आंखें देखेंगी क्या? बोलो बोलो, हाँ या ना? आंखें देखेंगी क्या? आंखें नहीं देखेंगी। फिर कहते लाइट देखती है। आपका प्रश्न होना चाहिए लाइट देखती है। अब लाइट बढ़िया है, हैलोजन जला दो और आंखें बंद कर लो तो लाइट देखेगी क्या? बोलो, आंखें देखती हैं या लाइट देखती है? ना आंखें देखती है ना लाइट देखती है, क्या देखता है? बोलो। देखिए आदमी, मैं एक और सरल बात आपसे कहूंगा। आदमी जब दुनिया से चला जाता है, जब दुनिया से मर जाता है, तो कोई उसकी आंखें निकाल लेता है क्या? बोलो, आंखें कोई निकाल लेता है बाहर? आंखें निकालता है कोई? कानों को कोई बंद कर देता है? मुंह को कोई बंद कर देता है? ना तो वो देखता है, ना कानों से सुनता है, ना मुंह से बोल पाता, ना हाथ पैरों से चल पाता है। क्यों क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि उसके अंदर बैठा हुआ जो जीव है, अंदर जो बैठा हुआ भगवान का अंश है, वो आज नहीं है। कौन नहीं है? अंदर बैठा हुआ जो भगवान का जीव है वो नहीं है। सज्जनों, तो बताओ कौन देखता है, आंखें या लाइट? ना आंखें ना लाइट, भगवान का जो जीव बैठा हुआ है वो जीव दर्शन करता है, जीव देखता है। तीसरी बात कही आनंद। भगवान का तीसरा स्वरूप बताया आनंद। आनंद क्या है संसार में? अप्रकट रूप से जो सर्वत्र व्याप्त है वो आनंद है। आनंद क्या है? लोग पत्नी में आनंद खोजते हैं, भोजन में आनंद लेते हैं, संसार में धन इकट्ठा करने में आनंद लेते हैं, ये आनंद है। इससे आनंद मिलेगा। सज्जनों, आनंद साक्षात ब्रह्म है, आनंद साक्षात भगवान है। आपने कथाओं में ये सुना होगा कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। बोलो लाल की। कोई ये कहता है कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की। नहीं नहीं, क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। तो आनंद कौन है? आनंद साक्षात गोविंद ही साक्षात आनंद है। आनंद मेरे भगवान है, कृष्ण ही साक्षात आनंद है। तो तीनों को जोड़ करके बनता है सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्याद हे तवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा को हम सब मिलकर के नमस्कार करते हैं, मिलकर के प्रणाम करते हैं। बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।